Hello, welcome to this tutorial video on GST. आज हम GST के दो सेक्शन के बारे में कुछ बात करेंगे. क्या ये दो सेक्शन हैं और इसका क्या बेनिफिट है और हाउ दिस टू सेक्शंस हेल्प अस. एफवेट self purchase mismatch. So these two sections are very important, and one favors sellers and other favors the buyers. So both of you, seller and buyer, both can defend using these two sections. So chale आगे बढ़ते हैं. सेक्शन 42 एंड सेक्शन 43. क्या है सेक्शन 42 एंड क्या है 43? तो मैं ये सेक्शन बहुत पहले, 2 साल पहले इसका बना हुआ था, लेकिन कुछ कोमा में पड़ा था ये सेक्शन शायद. तो जब नया हमारा फाइनेंस मिनिस्टर आया तो मैडम ने इसको इम्प्लीमेंट करने के सोचे है. तो ये तो सेक्शन इम्प्लीमेंटेशन के पीछे एक बहुत बड़ा क्या कहे इसको डिसीजन है, क्योंकि ये दो सेक्शन का अगर मैं डिटेल्स में जब जाऊंगा तो सब समझेंगे ये दोनों सेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है. कि ये जो सेल परचेज मिसमैच होता है, जो ITC रिवर्स करने का बात होता है, जब भी सेलर अगर इनवॉइस अपलोड नहीं किया तो ई विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक ITC, तो बायर के लिए प्रॉब्लम है. तो ये सेक्शन इसी के लिए है. तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन 42. तो सेक्शन 42 में क्या कह रहा है, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ जिससे आसान होगा सेक्शन 42 को समझना. पकड़ लीजिए मिस्टर के सेन एक बायर है और मिस्टर के अग्रवाल एक सेलर है. मिस्टर के सेन ने क्या किया है, अपना रिटर्न में 10,000 रुपया का ITC दिखाया. लेकिन मिस्टर के अग्रवाल ने क्या किया है, अपना रिटर्न में 8,000 रुपये का ITC दिखाया कोई भी महीने में. तो ये क्या हुआ, मिसमैच हुआ. तो सेक्शन 42 क्या करते हैं, मैचिंग द टू रिटर्न, जीएसटी 1 एंड जीएसटी 2 और 3 भी और 7. ये दोनों रिटर्न को सेलर और बायर ने जो रिटर्न अपलोड किया है उसको मैचिंग करता है. तो मैचिंग कंसेप्ट में आ गया. तो अभी इसी पोजीशन में क्या होगा, GST डिपार्टमेंट से दोनों तरफ लेटर जाएगा. बायर की तरफ लेटर जाएगा, भाई तुमने ये 2,000 रुपया ITC ज़्यादा ले लिया. और सेलर की तरफ जाएगा कि आपने 2,000 रुपया कम दिखाया ITC और टैक्स कम दिखाया. तो दो ऑप्शन रहेगा बायर का पास. एक बायर के अगर कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई आपने गलत दिखाया, मैं तो आपसे परचेस किया हूँ और 10,000 रुपया ही ITC हो रहा है, तो आपने कोई इनवॉइस शायद अपलोड नहीं किया जिसके लिए हमको 2,000 रुपये का नुकसान हो रहा है. अगर सेलर ने नहीं माना तो आपको वो ITC रिवर्स करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. तो बायर इज बाउंड टू रिवर्स सच ITC, तो वो ITC को आपको रिवर्स करना ही पड़ेगा. लेकिन बाद में देखा गया कि तो इसी की मुद्दा चलते हुए केसर ने बोला, भाई के अगर से हम बिजनेस नहीं करेंगे, ये सेलर कम आउटपुट दिखाता है, मेरा नुकसान हो जाता है, मैं ITC जो मेरा सही महीने में ITC मिलना था मैं चोर बन गया,
एक्चुअली क्या है, मैं चोर बन गया, मैं ज़्यादा आई टी से ले लिया, लेकिन मैं ईमानदार हूँ। तो के अग्रवाल ने कभी सोचा है कि कभी उसका मन में आया कि भाई चलो इसको रेक्टिफाई कर लेते हैं, रिटर्न को रिवाइज कर देते हैं, और वो जो 2000 रुपये का जो आई टी सी का जो इन्वॉइस था वो उन्हें अपलोड कर दिया। नाउ बायर कैन क्लेम ₹30,000 एज आई टी सी, जो शॉर्टफॉल हुआ था 2000 रुपया का, वो आई टी सी या बायर क्लेम कर सकते हैं, मतलब रिक्लेम। तो मुर्दा का हुआ यहाँ पे सेक्शन 42 क्या कह रहा है, मैचिंग टू रिटर्न्स अपलोडेड बाय बायर्स एंड सेलर्स, सेकंड रिवर्स ऑफ आईटीसी, थर्ड रिक्लेम ऑफ आईटीसी। सो तीनों पार्ट है सेक्शन 42 में। अभी पकड़ लीजिए, मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे हम सेक्शन 42(3) को समझेंगे। क्या सेक्शन 43 क्या कह रहा है, व्हाट सेक्शन 43 सेइंग। तो के सेन ने मिस्टर के अग्रवाल से 1 करोड़ का माल परचेस किया है और उन्होंने आईटीसी मिला 18 लाख। तो अभी केसर ने इनपुट टैक्स ले लिया, आईटीसी ले लिया 18 लाख का, लेकिन के अग्रवाल ने दिखाया सिर्फ 10 लाख, 8 लाख मिला नहीं। तो इस सदमे में आके मिस्टर केसर ने सुइसाइड कर लिया, इतना नुकसान हो गया। तो क्योंकि आईटीसी ज़्यादा दिखाया बायर ने, मिस्टर केसर ने, और मिस्टर के अग्रवाल ने कम दिखाया, फिर वही घटना घटा, तो इसलिए सदमा लगा और सुइसाइड कर लिया। 2-3 साल बाद केसर का बेटा आया बिजनेस को संभालने के लिए। अभी उसका बेटा सोचा भाई ये के अग्रवाल से हम बदला लेना है। कैसे बदला लेना है भाई, अरे भाई तुम्हारे लिए ही तो हुआ था मेरा पिताजी का सुइसाइड, तुमने कम दिखाया था। उन्होंने क्या किया, डील का ख़त्म नहीं किया, फिर डीलिंग करना शुरू कर दिया मिस्टर के अग्रवाल से। अभी क्या किया है, उन्होंने 1 करोड़ का माल ले लिया और 18 लाख का आईटीसी भी ले लिया। तो जीएसटी में दिखा दिया, रिटर्न में भी दिखा दिया मिस्टर केसन के जो बेटा था। अभी के अगर बने में भी जीएसटी 1 में आउटपुट टैक्स में दिखा दिया। तो अभी तक तो सब ठीक ठाक है, कोई मिसमैच की बात नहीं है। अभी के अग्रवाल ने बोला केसन को, भाई केसन का बेटा को बोला, भाई मेरा पैसा तो दो, इतना सामान दे दिया आपको विदाउट एनी एडवांस। बोला के अग्रवाल का बेटा बोला, भाई मेरा पास पैसा कहाँ है, तुम्हारा माल मेरा गोदाम में ऐसे ही पड़ा हुआ है, तुम चाहो तो वापस ले सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी पैसा नहीं दे पाऊँगा, आई एम गोइंग थ्रू फाइनेंशियल क्रंच। तो क्या वाले सोचा कि है पुराना रिश्ता था, ठीक है वापस ले लिया। अभी नेक्स्ट टर्न में क्या दिखाया, क्या अग्रवाल ने क्रेडिट नोटिस शुरू कर दिया, लेकिन किसन का बेटा क्या किया था, रिटर्न में ऑलरेडी आईटीसी इनपुट टैक्स ले चुका था। अभी केसन का बेटा डेबिट नोट इशू नहीं किया। इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में जाएगा जीएसटी डिपार्टमेंट से लेटर
अग्रवाल के पास, भाई तुमने कम आउटपुट टच दिखाया, तुमने क्रेडिट नोट इशू करके रिवर्स कर दिया, लेकिन के अगर केसन ने पेटा का केसन ने तो नहीं दिखाया डेबिट नोट, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सेक्शन 43 इज बेस्ड ऑन मैचिंग डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, मतलब इस समय डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को मैच करना है। तो अभी जीएसटी डिपार्टमेंट बोलेगा के अग्रवाल को, भाई तुम चोर, पहले केस एन चोर था भाई, उसका दाग लग गया और सुसाइड कर लिया सन में आके, अब के अग्रवाल चोर है, जीएसटी डिपार्टमेंट उसको कहेगा भाई तुम तो क्रेडिट नोट इशू करते लेकिन उन्होंने डेबिट नोट इशू नहीं किया, सो देयर इज अ मिसमैच बिटवीन क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट, क्योंकि एक क्रेडिट नोट डालेगा तो दूसरा तो डेबिट नोट डालना ही चाहिए ना, ये तो कैसे मैचिंग करेगा। तो ये है सेक्शन 43। तो आशा करता हूँ आपको सेक्शन 42 और 43 की जो कॉन्सेप्ट है, जो मीनिंग है आपका, मैं एक्सप्लेन कर सका हूँ। आशा करता हूँ आप लोग अच्छी तरह समझ सके हैं कि सेक्शन 42 क्या है, सेक्शन 43 क्या है, और ये पहले से बना हुआ था लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ ये अलग बात है, कोई भी रीज़न होगा। तो अभी कोई भी प्रॉब्लम है और भी डिटेल्स पर जानने का, कोई भी आपका क्वेरीज है, यू कैन लीव योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स, ओके, आई विल ट्राई टू गिव रिप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल। सो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सी यू अगेन।